अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे, खुश रहें हमेशा, हर परेशानी से दूर रहें। आज हम गलावटी कीमा बनाने जा रहे हैं और उसका स्टार्ट इस तरह से लेते हैं कि उसको पहले रॉ पपाया में मैरिनेशन के लिए कुछ टाइम या ओवरनाइट रखना होता है। 1 घंटा मिनिमम है और मैक्सिमम जो अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए आप ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यह 1/2 kg कीमा है, अभी मैं इसको एक दफ़ा और चॉपर से निकालूंगी, लेकिन उसके साथ मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगी, जिसमें पपाया होगा, जिसमें सॉल्ट होगा, जिसमें टर्मरिक होगी, क्यूमिन पाउडर होगा भुना हुआ क्यूमिन पाउडर, और ब्राउन अनियन होगा। और ये वाले मसाले जो हैं, इसको मैं पहले बता दूँ आपको कि ये तो मैं अभी मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी, ये भी। उसके अलावा ये एक पेस्ट तैयार होती है, ये जायफल जलबत्री है 1/2 teaspoon, ये ज़ीरा है 1 teaspoon, इसके साथ थोड़ी सी छोटी इलायची है, 3 से 4 हैं और उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। 1 inch का दालचीनी का टुकड़ा है जिसको मैंने तोड़ के छोटा कर दिया ताकि मशीन में आसानी से, 4 cloves हैं और ये 1/2 teaspoon खशखाश है, इसको मैं अभी धो के अच्छी तरह वॉश करूँगी फिर ये इसकी पेस्ट बनेगी, और ये 1/2 tablespoon कोकोनट है श्रेडेड, तो ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये पानी के साथ हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। ये पपाया है 3 tablespoon, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली हम 3 से 4 tablespoon ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा चटखारा होता है तो अच्छा लगता है इसमें। तो ये शुरू करती हूँ मैं, इसमें मैं अब ये कीमा है, इसमें मैंने चॉपर में इसलिए डाल दिया है ताकि फौरन ही मैं साथ साथ इसको पीस लूँ। इसमें मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालूंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वाग़फ़िर ली, ये बहुत छोटा सा इस्तिख़ारा है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वाग़फ़िर ली, जो आप कोई भी कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपको डाउट हो के पता नहीं कैसे होगा तो आप ज़रूर पढ़ लें, तो उससे ये होता है कि आपका अल्लाह पाक काम सही कर देते हैं। 1 teaspoon इसमें टर्मरिक जाएगी, 1 cumin powder जाएगा, 1 teaspoon, और इसमें मैं चॉप्ड, वो इसमें मज़ीद चॉप्ड हो जाएंगी तो ये ज़रा सा इसमें टेस्ट अच्छा ले आएंगी। ये तकरीबन 1/2 tablespoon मैंने डाल ली चॉप हुई हुई। उसके अलावा इसमें मैं पपाया ऐड करती हूँ, इसमें मैंने पपाया ऐड कर दिया है 3 tablespoon, और मैं इसको चॉप करती हूँ और फिर इसको मैं मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट रख देती हूँ और इसकी पेस्ट बना लूँगी। ये कीमा बहुत अच्छे से पिस गया है और ये मैंने खसखास, कोकोनट, श्रेडेड कोकोनट और बाकी मसाले इकट्ठे पीस के तो पेस्ट बना ली है, और अब ये मैं इस कीमे में मिक्स कर देती हूँ और फिर इसको मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ और फिर इसको आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये ओवरनाइट मैरिनेशन हो गई है, अब मैं इसको कोयले की धूनी देती हूँ, जिसके लिए मैं कोयला मैंने दहका लिया है, फ्लेम ऑफ करती हूँ। इसको 10 मिनट के लिए मैं इसी तरह छोड़ दूंगी और 10 मिनट बाद देखती हूँ।
ये लार्ज साइज ऑनियन है और इसमें दो हरी मिर्चें हैं कटी हुई, और इसको मैंने तकरीबन आधे कप से कुछ ज़्यादा तेल लिया है, और उसमें ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा, और इसमें ये थोड़ा सा ये इसमें एक भुनावट की शक्ल आएगी, तो फिर मैं इसमें बेसन ऐड करती हूँ, वो भी साथ ही भुनेगा। फिर इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसकी शक्ल में तब्दीली आती है तो फिर उसके बाद हम इसमें क्रश्ड कोरिएंडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऐड करेंगे। एक तो मैरिनेशन में ऐड किया था, मगर इसमें भी थोड़ा सा चाहिए होता है, और रेड चिली ऐड करेंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं, तो ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये लार्ज साइज प्याज है और हमने थोड़ा सा उसको स्पाइसी बनाना है। गलावट का कीमा और स्पेशली बीफ का कीमा हो तो उसको थोड़ा सा आपको स्पाइसी ही रखना होता है हज़म करने के लिए। हाँ, उसमें कुटा भुना ज़ीरा भी डालेंगे, वो बीफ को या मटन को हज़म करने में बहुत हेल्प आउट करता है। इस तरह की शक्ल होगी, और बाकी भुनाई हम बेसन के साथ करेंगे, और यहाँ मैं 3 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड कर देती हूँ। ये बेसन भी साथ ही भुन जाएगा, जैसे जैसे अनियन का कलर चेंज होगा ऐसे ऐसे बेसन का भी साथ साथ कलर चेंज हो जाएगा। तीन मिनट हो गए हैं मुझे चम्मच चलाते हुए, और ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, बेसन का ना अंदर से नज़र आ रहा होगा, ऊपर फौरन झाग आ जाती है इसलिए मैं दिखा नहीं सक रही, लेकिन ये देखें इस तरीके से ना ऑनियन का भी कलर चेंज हो चुका है और बेसन का भी। तो यहाँ इस टाइम में मैं कीमा ऐड करती हूँ और फिर बाकी मसाले ऐड करते हैं। आँच को धीमा कर दूँगी, ये देखें अब नज़र आ रहे हैं ज़्यादा ऑनियंस का भी कलर चेंज हो गया और बेसन का भी। इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने क्रश्ड कोरिएंडर डाला है, और मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, और मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूंगी, यह हल्की आंच पे अपना पानी छोड़ेगा और फिर उसके बाद इसको देखेंगे। और इसमें मैं रेड कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा एक रेड रेड सा टच आना चाहिए, तो उसके लिए मैं 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करती हूँ। मैं 10 मिनट के बाद इसको देख रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसको 10 मिनट और भी अच्छा सा गलाऊंगी। 10 मिनट के लिए अभी भी मैं इसको छोड़ती हूँ, नमक टेस्ट कर लेती हूँ, अगर ज़रूरत होगी इस टाइम में तो फिर मैं और डाल देती हूँ।
ये मैंने जिंजर का पानी बनाया और ये मैंने थोड़ा सा यही पानी डाला है, 3-4 हरी मिर्चें हैं और 1 लीमू है, और इसको मैं ब्लेंड करके तो कीमे में ऐड कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा सा एक टेस्ट देगा। इसमें मैं ये ब्लेंड कर लिए, ये मैं ऐड कर देती हूँ, ये बहुत अच्छी सी फिर खुशबू देगा इसके अंदर, और मैं इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद, अब ये देखें ये गलावटी कीमा बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, इसको अब मैं सिर्फ 10 मिनट का दम दूंगी। ये जो कलर आ रहा है ना, ये जो इसमें ये कलर आ रहा है, ये तलहार लाल मिर्च का कलर है, तलहार के नाम से मिलती है, उसमें शायद कलर डालते होंगे, पता नहीं, उसकी हिस्ट्री मुझे नहीं पता, लेकिन वो डालने से ना कलर आ जाता है, स्पाइसी बहुत नहीं होता, तो स्पाइसी टच के लिए मुझे ये ग्रीन चिली अभी डालनी पड़ी है। तो चलें इसको 10 मिनट बाद देखते हैं। ये रेडी हो गया है, बिल्कुल नरम पड़ गया, इसके ऊपर हल्की सी गार्निशिंग करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।